गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग 3 का एक चैप्टर टूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखिए आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, कलकत्ता यूनिवर्सिटी 2013 में आया हुआ है। यहाँ देखिए, प्रिपेयर कंपरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपरेटिव इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये 2009 है, ये 2010। यहाँ देखिए, ग्रॉस सेल्स, सेल्स का ही नाम आज के डेट में हो गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, सेल्स है 120,200, 135,800। ये सेल्स रिटर्न है 5,200, 3,800 उससे माइनस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड 80,084। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो बस यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, दो एक्सपेंस है, प्लस कर लेंगे टोटल एक्सपेंस, माइनस करेंगे हम लोग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। यहाँ 50%, 50% टैक्सेशन बोला गया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। करेंट ईयर 2010 होगा और 2009 को प्रीवियस ईयर करेंगे, करेंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करके लिखेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज आएगा, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो इनकम स्टेटमेंट, कंपरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है, ईयर 2013 का क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्व करके देखें। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कंपरेटिव इनकम स्टेटमेंट 10-9, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज। सबसे पहले ले आएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंडर में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल में से सेल्स रिटर्न का पैसा माइनस करके लिखा जाएगा। करेंट ईयर 2010 में 1,32,000 आएगा, रिटर्न माइनस करके रखे हैं, इधर 5,200 माइनस करेंगे 1,15,000 आएगा, माइनस कीजिए 17,000। ओके, इसको यहीं पे प्लस कर लेंगे, एक ही आइटम है। ये हो गया 1,32,000, ये हो गया 1,15,000। इसका नाम दे देते हैं, सीरियल नंबर 2 दे देते हैं, टोटल रेवेन्यू। ओके, नंबर 3 में एक्सपेंसेस लेंगे। एक्सपेंसेस में है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंट ईयर में है 84,000, प्रीवियस ईयर में 80,000, चेंज आपका 4,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेंट ईयर आपका 9,000, प्रीवियस ईयर 12,000, ये आपका माइनस 3,000। क्लियर, इसको यहीं पे प्लस कर लेंगे, दिस विल बी टोटल एक्सपेंसेस। ये हो गया 93,000, ये हो गया 92,000, चेंज आपका 1,000। ठीक है, अब आएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नंबर 4, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे 39,000। ओके, यहां से इसको माइनस कर देंगे 23,000, ये हो गया आपका 16,000। क्लियर, नंबर 5, प्रोविजन फॉर टैक्स 50%, 19,500, 11,500,
माइनस कीजिए 8,000। एंड लास्ट आइटम इज नंबर सीरियल 6, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से माइनस कर देते हैं 19,500, 11,500, 8,000। ओके, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो पहले यहाँ नोट लिख देते हैं, एब्सोल्यूट चेंज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करेंट ईयर, अमाउंट ऑफ करेंट ईयर माइनस अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। करेंट ईयर से प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज होगा, अब परसेंटेज चेंज, ठीक है, परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब हमको परसेंटेज में शो करना है, यहां देखिए एब्सोल्यूट चेंज में है 17,000, अब प्रीवियस ईयर 1,15,000 इनटू 100, रिजल्ट विल बी 14.78। इसका भी चेंज तो वही रहेगा 14.78। यहां देखिए 4,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 100, ये आएगा आपका 5%। 3,000 बाई 12,000 इंटू 100, ये निगेटिव में ही रहेगा 25%। 1,000 डिवाइडेड बाई 92,000 इंटू 100, 1.09। इसके अलावा ये है 16,000 डिवाइडेड बाय 23,000 इनटू 100, 69.57। ये है 8,000 डिवाइडेड बाय 11,500 इनटू 100, 69.57। ये भी वही आएगा 69.57। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कंपरेटिव स्टेटमेंट ईयर 2013। ये आपका क्वेश्चन था, यहां सेल था, सेल में से रिटर्न माइनस कर दिए, ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दो एक्सपेंस था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको प्लस कर दिए टोटल एक्सपेंस, माइनस करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 50% टैक्स है। ओके, 10 हो गया हम लोग का करेंट ईयर, 9 हो गया प्रीवियस ईयर। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।